जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, असम राइफल्स की तरफ से टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। दोस्तों टोटल 616 पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि धोबी, नाई, सफाई वाला, क्लर्क, कुक, ऐसे कई अन्य पदों के लिए यहाँ पास भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं या 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या पहले आपका पेपर होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और स्टेट वाइज पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस राज्य में कितनी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं, और एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, असम राइफल्स की तरफ से टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आपका सपना पूरा होने वाला है दोस्तों यदि आप असम राइफल्स में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, आप देखिए 616 पोस्ट यहां निकाली गई हैं। 17 फरवरी 2023 इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और 19 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, जितना जल्दी हो सकेगा आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपका फिजिकल जो होगा 1 मई 2023 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यदि आपका जन्म जो है दोस्तों तो 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पास आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, देखिए यदि आपका एज पूरा हो गया है तो आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी, और OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट यहाँ पास मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा मौका है तो आप इसके लिए आप जरूर आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं किस राज्य में, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में 34 पोस्ट निकाली गई हैं, बिहार में 30 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट, गुजरात में 27 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश में 1 पोस्ट। स्टेट वाइज पोस्ट यहां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, झारखंड में 17 पोस्ट, केरल में 21 पोस्ट, मध्य प्रदेश में 12 पोस्ट हैं, मणिपुर में 33 पोस्ट हैं, मिजोरम में देखिए 88 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ओडिशा में 21 पोस्ट हैं, पंजाब में 12 पोस्ट हैं, सिक्किम में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 26, त्रिपुरा में 4, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 12 पोस्ट निकाली गई हैं, और उत्तर प्रदेश में 25 पोस्ट निकाली गई हैं, तेलंगाना में 27, राजस्थान में 9, पुडुचेरी में 2 और नागालैंड में 92 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ देख लेना है पहले पोस्ट के बारे में, इसके बाद आपको आवेदन करना है। ठीक है, और देखिए मेघालय में 3 पोस्ट निकाली गई हैं, महाराष्ट्र में 20 पोस्ट हैं, लक्षद्वीप में 1 पोस्ट है, कर्नाटक में 18 पोस्ट हैं, जम्मू कश्मीर में 10 पोस्ट हैं, हरियाणा में 4 पोस्ट हैं, हरियाणा राज्य में और गोवा राज्य में यहाँ पास 3 पोस्ट हैं, दिल्ली में 4 और चंडीगढ़ में 1 भी पोस्ट नहीं है। तो देखिए चंडीगढ़ वाले किसी अन्य स्टेट से आवेदन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में पोस्ट नहीं है तो हम वहाँ आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूसरे राज्य में आवेदन कर दीजिए, बिल्कुल लीजिए सिंपल सर। ठीक है, और देखिए असम में 18 पोस्ट हैं, आंध्र प्रदेश में यहाँ पास 25 पोस्ट हैं, दमन दीव और अंडमान निकोबार में इनमें 1 भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। तो ये क्या करेंगे, इन राज्यों में इनको छोड़ करके इन राज्यों में आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बात क्लियर हुई, और यदि कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों ये स्टेट वाइज पोस्ट हो गई कि किस राज्य में कितनी पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, देखिए अब हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं,
कि किस पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए, धोबी, नाई, कुक, सफाई वाला के लिए फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी भर्ती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सफाई वाला के लिए मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। और इन पोस्टों के लिए दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, केवल और केवल 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन फील्ड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक व्हीकल और ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ठीक है। इतनी सारी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। और देखिए, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। आप 10वीं पास हैं और ITI किए हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। क्लर्क की पोस्ट के लिए यदि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपसे टाइपिंग यहां मांगी गई है, ठीक है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, टाइपिंग में आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। तो थोड़ा आप यहां ध्यान समझिएगा, यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है, ठीक है, इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मतलब कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो, ठीक है। और देखिए, यदि आपसे हिंदी में टाइपिंग आती है तो आपसे आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में यदि आपसे टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और यदि हिंदी में टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास है और साथ में आपसे टाइपिंग आती है तो आप क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है और लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी निकाली गई है। तो देखिए, इसके लिए 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, केवल और केवल 10वीं पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, यहाँ पास वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा यदि आपने किया है वेटरनरी फील्ड में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं,